इंसान को अपनी नाकामयाबी भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए, और आज मैं आपको जिनके बारे में बताऊंगी उन्होंने ऐसा ही किया है। जी हाँ, साल की अपनी दो सुपर फ्लॉप फिल्में कलंक और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की नाकामयाबी से उबर चुके हैं करण जौहर। अब इसे भूलकर वो अपनी नई फिल्म की तैयारियों में लगे हैं। आपको बता दूँ, इस मल्टी स्टारर फिल्म की शूटिंग इसी साल गर्मियों में शुरू होने वाली थी, लेकिन कलाकारों की तारीख एक साथ ना मिल पाने के चलते इसकी शूटिंग लगातार टलती रही। लेकिन अब करण जौहर ने इस फिल्म की शूटिंग अगले साल वैलेंटाइन डे से शुरू करने का मन बना लिया है। आप सोच रहे होंगे कौन सी फिल्म है, क्या है? मैं यहाँ बात कर रही हूँ मल्टी स्टारर फिल्म तख्त की। रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, जानवी कपूर, भूमि पडनेकर और अनिल कपूर जैसे कलाकारों की इस फिल्म के लिए सबकी डेट्स एक साथ मिलना ही सबसे बड़ी समस्या रही है, और इसी के चलते इसमें देरी हुई। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि जल्द ही करण अपनी स्टार कास्ट के लिए खास वर्कशॉप भी आयोजित करेंगे, जो खास तौर पर कलाकारों के डिस्कशन और बॉडी लैंग्वेज के लिए होगी। अब आपको फिल्म की कहानी के बारे में बताती हूँ। फिल्म की कहानी 17वीं सदी में गढ़ी गई है। ये कहानी शाहजहां के बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह की है, जिनके बीच तख्त को पाने के लिए खतरनाक खेल हुआ। लेकिन आपको बता दूँ, इसमें सभी कलाकारों को कहानी के अनुसार फिजिकल अपीयरेंस पर खास बदलाव करना पड़ेगा। जैसे अनिल कपूर को अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा और रणवीर सिंह व विक्की कौशल को घटाना पड़ेगा। खैर, अब इस फिल्म का इंतजार सबको रहेगा। फराह खान, नेक्स्ट 9 न्यूज।